अरे श्रवण, गुस्सा मत हो, प्लीज बैठो, अभी बहुत सारी बातें करनी है। तुम ये सब हथियार बेचती हो? तुम्हें सारी बातें पता चली गई है तो ठीक है। तुम्हारे आज के काम का मेहनताना, परफ्यूम खरीदो, थोड़ा लाइफस्टाइल को चेंज करो, और पता है स्टाइल में जीने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है। और पता है जब पॉकेट में पैसे होंगे ना तो मैं और तुम देखना क्या मजे से जिंदगी जीते हैं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये पैसे। अरे श्रवण, सारे पैकेट्स खोल के तो तुमने देख ही लिए होंगे। अब जो दरवाजे पे खड़ा है ना उसे भी अच्छी तरीके से देख लो, शक्ल तो पहचानते हो ना। दुकान खोल के सुन लो, जो हम करते हैं ना किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और ना तुम भी अंदर जाओगे और तुम्हारी माँ भी अंदर जाएगी, क्योंकि सारा जो माल है वो तुम्हारे घर से ही बरामद होगा ना। तो सोच लो तुम, एक ही जेल में तुम दोनों माँ बेटे, लेकिन अलग अलग। श्रवण, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं, ठीक है? तो जैसा कहती हूँ ना करते जाओ बस। श्रवण एक ऐसे जाल में फंस चुका था। चिल्लाओ बचाओ! मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना इंसानियत। रोइए मत, ये सब चाल है प्यारे, तुम फंस चुके हो। अपराधियों की इस टोली का अपहरण करने का एक ठोस तरीका था। मेरा बेटा हर्ष मेरे कब्जे में। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझे किडनैप किया। क्या कोई होशियार है जो इस जुर्म को रोकेगा?